तो सबसे पहले अगर तुम्हें नहीं पता तो बता देता हूँ, मेरे चैनल को स्ट्राइक पड़ चुकी है, इसलिए यूट्यूब ने कुछ दिनों तक वीडियो पोस्ट या कुछ भी अपलोड करने से बैन कर दिया था, इसलिए वीडियो लेट आ रही है। और आज के बाद मैं कभी भी डाउनलोड वाली वीडियोस नहीं बनाऊंगा और ना ही तुम लोग मुझसे बोलना। एनीवेज, तो काफी टाइम हो गया था टेकन के अपडेट्स दिए हुए, इसलिए काफी सारे अपडेट्स आ गए हैं और इसी वजह से ये फाइटिंग गेम अपडेट्स की सीरीज नहीं है जिसमें मैं सभी फाइटिंग गेम्स के अपडेट्स देता हूँ। ये वीडियो बस टेकन के अपडेट्स के ऊपर है क्योंकि टेकन के काफी सारे अपडेट्स आ गए हैं, इसलिए सभी अपडेट्स और न्यूज को मैं इसी एक वीडियो में कवर कर रहा हूँ और बाकी स्ट्रीट फाइटर 6 और मॉर्टल कॉम्बैट की न्यूज को मैं फाइटिंग गेम्स के अपडेट्स वाली वीडियो में कवर कर दूंगा। तो फिर चलो शुरू करते हैं टेकन के सभी अपडेट्स, जिसमें इस बार सच में बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज और अपडेट्स हैं, जैसे कि एक रियल टाइम फाइटिंग कैरेक्टर टेकन 8 में अपीयर होने वाला है। टेकन 8 सैन डिएगो कॉमिक कॉन के बारे में भी बात करेंगे, टेकन क्रॉस स्ट्रीट फाइटर के बारे में भी एक न्यूज है और मेरे पाकिस्तानी सब्सक्राइबर्स के लिए भी काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है। सो इंट्रो काफी बड़ा हो गया है, देरी नहीं करते हैं, जल्दी से लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले सैन डिएगो कॉमिक कॉन के बारे में बात करते हैं, जिसमें बांडाई नामको ने भी एक इवेंट रखा था जिसमें टेकन 8 के गेम डायरेक्टर कात्सुहिरो हराडा और प्रोड्यूसर माइकल मरी का इंटरव्यू लिया गया, जिसमें उन्होंने टेकन 8 के बारे में काफी सारे बातें की। बट मोस्ट इम्पोर्टेंट ये था कि इस टेकन 8 के कॉमिक कॉन इवेंट में माइकल मरी और हराडा के साथ टेकन टीम में फेमस WWE सुपरस्टार जेवियर वुड्स, MMA ग्रैंड स्लैम चैंपियन क्रिस साइबॉर्ग और द बॉक्सिंग लेजेंड माइक टायसन भी देखने को मिले, जो एक तरह से गेम के प्रमोशन के लिए आए थे। तो सभी ने गेम के बारे में अपने अपने ओपिनियंस बताए। फिर इसके बाद जब फैंस ने माइक टायसन को टेकन 8 के कॉमिक कॉन में देखा तो सबको यही लग रहा था कि शायद माइक टायसन टेकन 8 में अपीयर होने वाले हैं, इसलिए वो टेकन 8 के कॉमिक कॉन में आए हैं, जो कि कंफर्म तो नहीं था। बट यहीं से माइक टायसन की भी डिमांड टेकन 8 में लाने की काफी बढ़ गई। इवन कुछ फैंस ने तो टेकन 8 के लिए माइक टायसन का आर्टवर्क भी बनाया, जो कि देख ही सकते हो काफी सही लग रहा है। वैसे इस टॉपिक को मैं और भी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ क्योंकि इस पर एक आर्टिकल भी निकल के आया है कि ये टेकन 8 में माइक टायसन का कैरेक्टर हो सकता है। सो अगर तुम इस पर डिटेल में वीडियो देखना चाहते हो तो मुझे बताना कमेंट्स में। इसके बाद इसी कॉमिक कॉन में टेकन क्रॉस स्ट्रीट फाइटर के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा हुई, जिसमें सभी मेंबर्स से उनके करियर में डिफिकल्टीज या चैलेंजेस के बारे में पूछा गया। तो हराडा ने टेकन क्रॉस स्ट्रीट फाइटर के बारे में जिक्र किया, उन्होंने गेम के बारे में बताया कि गेम के डेवलपमेंट में हर दिन अलग अलग चैलेंजेस होते थे, हमेशा गेम में कुछ ना कुछ ऐसा होता था जिसे ठीक करने की जरूरत पड़ती थी। बट अगर कोई चैलेंज हो जो मैंने मतलब कि हराडा ने पार ना किया हो तो वो है स्ट्रीट फाइटर क्रॉस टेकन गेम। इस गेम के बाद हमें टेकन क्रॉस स्ट्रीट फाइटर नाम का भी एक गेम रिलीज करना था, जिसे स्ट्रीट फाइटर क्रॉस टेकन के साथ ही July 24, 2010 को सैन डिएगो कॉमिक कॉन में ही अनाउंस किया गया था। बट जब स्ट्रीट फाइटर क्रॉस टेकन को उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला तो इससे टेकन क्रॉस स्ट्रीट फाइटर गेम की डेवलपमेंट काफी स्लो हो गई। हालांकि हमें इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि गेम कभी फिनिश्ड क्यों नहीं हुआ, बस हमें इतना पता है कि गेम 30% के आसपास रुक गया था। और इसके अलावा एक बार 2023 में हराडा ने SDCC में कहा था कि टेकन क्रॉस स्ट्रीट फाइटर गेम अभी भी आगे नहीं बढ़ा है, पिछले 10 साल से गेम 30% ही कम्प्लीट है, हालांकि हम कभी भी टेकन क्रॉस स्ट्रीट फाइटर को हिट होते नहीं देख पाएंगे। सो हराडा के लिए उनकी लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज स्ट्रीट फाइटर क्रॉस टेकन या टेकन क्रॉस स्ट्रीट फाइटर गेम था, जिसे वो अभी तक पूरा नहीं कर पाए हैं। और इनकी बातों से लग रहा है कि शायद ही गेम कभी रिलीज हो या कभी कंप्लीट हो, जो कि एक तरह से सही बात भी है क्योंकि गेम 2012 के टाइम का है, जो मे भी आज के गेम्स को बीट नहीं कर पाएगा। बट 30% गेम कंप्लीट हो गया है तो मे भी पूरा रिलीज कर ही देना चाहिए। तुम्हें इसके बारे में क्या लगता है मुझे बताना कमेंट्स में। सो इसके बाद हमने टेकन 8 के DLC या गेस्ट कैरेक्टर के बारे में कई बार बात की है, मैंने तुम्हें कई सारे कैरेक्टर बताए हैं बट हराडा ने इस पर थोड़ा सा पानी फेर दिया है। तो दरअसल हुआ यह है कि ट्विटर पर किसी फैन ने हराडा से पूछ लिया कि आप टेकन 8 में कितने गेस्ट कैरेक्टर को ऐड करने की प्लानिंग बना रहे हैं। तो हराडा इसका रिप्लाई देते हुए ये कहते हैं कि हम पहले गेस्ट कैरेक्टर को डेवलप करने का प्लान नहीं बनाते, सबसे पहले हम अदर फाइटिंग गेम टाइटल के कंपैरिजन में मोर अर्ली रोस्टर रखने पर फोकस कर रहे हैं, दूसरे शब्दों में डिफिकल्ट कैरेक्टर्स की इनिशियल नंबर्स बढ़ाएंगे। और अगर हम गेस्ट कैरेक्टर के बारे में सोचेंगे भी तो वो गेम के रिलीज होने के बाद होगा।
सो हरड़ा ने ये तो कंफर्म कर दिया कि ये टेकनेट में गेस्ट कैरेक्टर होंगे, बट वो हमें गेम के रिलीज होने के बाद ही देखने को मिलेंगे। इसके बाद चलो इस पर भी बात कर ही लेते हैं कि टेकन के इस क्लोज्ड नेटवर्क टेस्ट को, मतलब कि इसके बीटा वर्जन को रिस्पांस कैसा मिल रहा है। तो गेम को रिस्पांस तो काफी अच्छा मिल रहा है, बट इसके ऑनलाइन वर्जन में सभी को एक प्रॉब्लम फेस हुई। गेम ऑफलाइन में तो काफी अच्छा चल रहा है, बट ऑनलाइन में ये कहीं कहीं हिचिंग करने लगता है। और जब फैंस ने ये बात टेकनेट के गेम डायरेक्टर हरडा को बताया तो उन्होंने कहा कि ये एक बग है और गेम अभी रिलीज नहीं हुआ है और ये ट्रायल वर्जन के कारण हिचिंग आ रहा होगा, जो कि गेम के रिलीज होने तक ठीक हो जाएगा। सो ओवरऑल गेम को काफी पॉजिटिव रिव्यू मिल रहा है, बस इसके ऑनलाइन नेटवर्क में थोड़ी सी प्रॉब्लम बताई जा रही है। इसके बाद लास्ट न्यूज काफी टाइम पहले की है, बट मैं उस टाइम वीडियो नहीं बना पाया, बट ये न्यूज मेरे पाकिस्तानी सब्सक्राइबर्स को काफी पसंद आने वाला है। तो हाल ही में गेमर सेट के नाम से रियाद सऊदी अरब में एक बहुत ही बड़ा टेकन 7 का कॉम्पिटिशन देखने को मिला, जिसमें 16 टीम ने पार्टिसिपेट किया था और हर टीम में 3 मेंबर्स थे और हर टीम अपने अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करती है। और टूर्नामेंट का प्राइस था $1 मिलियन, जो कि बहुत ही ज्यादा था। और पता है इस टूर्नामेंट को किस टीम ने जीता? वो टीम थी टीम पाकिस्तान की, जिसमें खान और आतिफ के साथ अरसलान एस भी थे, जिसका नाम तुमने जरूर सुना होगा। ये बंदा ई-स्पोर्ट का चैंपियन है और यार ये काफी बड़ी बात भी है और काफी प्राउड की भी पाकिस्तान के लिए। और मैं जानता हूँ कि मेरे काफी सारे सब्सक्राइबर्स पाकिस्तान से हैं, तो आप सभी भाइयों को कॉन्ग्रेचुलेशंस। काश हम इंडिया वाले भी कभी पबजी और फ्री फायर को छोड़ के आगे बढ़े। एनीवेज तो यही थे टेकन के सारे अपडेट्स, बताना मुझे कमेंट्स में जो भी मैंने तुमसे वीडियो में पूछा। और ऐसी अपडेट रहने के लिए इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और जाते हुए सब्सक्राइब कर सकते हो। और मिलूंगा मैं तुम लोग से अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।